प्रश्नकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर विधायकों की जासूसी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करेंगे तो सही नहीं है, आपको सत्ता पक्ष के विधायकों पर भी विश्वास नहीं है। जिस भी अधिकारी ने विधायक की जासूसी का मैसेज किया है उस पर कार्यवाही करें। वहीं ऊना में अवैध फैक्ट्री में ब्लास्ट पर उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। यह अवैध कारोबार कैसे चल रहा इसका पर्दाफाश होना चाहिए। नहीं देखिए, ये जो है एक्सप्लोसिव का मामला, ये कोई साधारण मामला नहीं है। अगर वहाँ पे दो फैक्ट्रियाँ चल रही थी तो सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके पॉलिटिकल ओवरटोन्स देने की कोशिश हो रही थी कि मुकेश अग्निहोत्री का क्षेत्र है। अरे भाई, मुकेश अग्निहोत्री का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन सरकार तो आपकी है। 4.25 साल से आप सरकार में हैं। आप बताएं कि सारी एजेंसियां आपके पास हैं, तंत्र आपके पास है, कौन लोग ये फैक्ट्री चला रहे थे, कौन लोग हैं जिन लोगों ने एक्सप्लोसिव वहाँ पे इकट्ठा किया, किस रास्ते से आया। अगर पुलवामा में जो है RDX से जो है हमला हो गया और काफ़ी लोग मारे, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, इसकी कम हो सकती है, लेकिन क्वांटिटी तो बहुत है। 250 किलो जो है क्वांटिटी अभी वहाँ पकड़ी गई है, दो फैक्ट्रियाँ पूरी तरह सील हुई हैं। अगर इसकी धमक जो है प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी ने जो है उसमें राशि देने की बात की, हालांकि मैं राजनीतिक तौर पे जाना नहीं चाहता, वहां पे 6 लोग मरे, मंडी में 7 लोग मरे, सबके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। वहां शराब पी के मरे उनको 8 लाख, यहां पे जो है जिंदा दफन हो गए उनको 4 लाख। ऐसे थोड़ी होता है, कानून तो बराबरी पे चलता है, सबको एक नज़र में देखना पड़ता है, और ये शासन का वो है। अब हम पूछना चाहते हैं, आप SITs बनाते हैं, SITs उसी एरियाज़ के SPs की बना देते हैं जिनके अधिकार के क्षेत्र के तहत क्राइम हुआ है। SITs तो बाहर से बनाओ, क्योंकि जिनके अंडर क्राइम हुआ एक पक्ष निश्चित तौर पे दब जाएगा। और आप ये बात कर रहे हैं कि जब क्राइम हो गया उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्राइम को दबोच लिया, हमने आदमी पकड़ लिया। अरे भाई, क्राइम की स्थिति कैसे बनी, वो कैसे शराब के कारखाने स्थापित कैसे हुए, 3 अवैध शराब के कारखाने स्थापित हुए, समानांतर इकोनॉमी बन गई, कोई तो होगा ना। ऐसे ही विस्फोट का कारखाना होगा, कहाँ कहाँ आपके उद्योग विभाग, कहाँ फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट, कहाँ है लेबर डिपार्टमेंट,